हेलो दोस्तों, गूगल फोटोज तो सभी के मोबाइल में रहते हैं, पर इसके बारे में किसी को नहीं पता रहता है। आज मैं गूगल फोटोज से रिलेटेड आपको तीन ऐसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, जो मेरे ख्याल से आप सभी को नहीं पता होगा। तो इस वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। और हाँ फ्रेंड्स, आपको मैं तीन टॉपिक कवर करूंगा गूगल फोटोज से रिलेटेड। तीन ऐसी सेटिंग्स है जो आज के टाइम पे 99% लोग को नहीं पता है। अगर आप इन गूगल फोटोज से रिलेटेड अगर आप तीन बातें नहीं जानते हो, तो आपका गूगल फोटोज कोई भी हैक कर सकता है और आपके ईमेल एड्रेस से कोई दूसरा भी ओपन कर सकता है, ताकि आपके जितने भी फोटोज हैं आपके मोबाइल में, जितनी भी गैलरी में फोटोज हैं, वीडियोज हैं और जितने भी चीज़ हैं, फाइल्स, फोल्डर्स, सारे चीज़ किसी और में ट्रांसफर होता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता है। तो आज हम जानेंगे गूगल फोटोज से तीन गुप्त सेटिंग्स जो आप सभी को बिल्कुल भी नहीं पता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शुभम YT। चलो कुछ नया सीखते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख जाता है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके मोबाइल में गूगल फोटोज का ऑप्शन रहता ही है। जैसे कि मेरा MI Redmi 4A का मोबाइल है, चाहे आपके पास Samsung हो, Oppo हो, Redmi हो, Vivo हो, Realme हो, कोई भी हो, चाहे Microsoft, Micromax, कोई भी मोबाइल क्यों ना हो, सभी में गूगल फोटोज का ऑप्शन तो रहता ही रहता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको गूगल फोटोज को खोज लेना है किस जगह पर आपका गूगल फोटो छुपा हुआ है, और सभी में सामने ही रहता है। तो गूगल फोटोज के ऑप्शन को सबसे पहले आपको चूज कर लेना है। यहाँ पर मैंने गूगल फोटोज को ओपन कर लिया है। अब आप ध्यान से सुनिए, इस वीडियो में आपको मैं तीन टॉपिक बताने वाला हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने तीसरा टॉपिक नहीं देखा, अगर नहीं सुना, वीडियो को स्किप करके अगर तीसरे टॉपिक पर पहुँच गए, तो आपने पहला दूसरा टॉपिक भी नहीं सुना, तो यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आपके लिए तीनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो तीसरा टॉपिक है, अगर आपने नहीं सुना तो आपका मोबाइल कोई भी हैक कर लेगा आसानी से। जो भी आपके गूगल फोटोज़ में जो भी आपके फोटोज़ हैं, जो भी वीडियोस हैं, वो किसी और मोबाइल में भी ओपन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देना चाहता हूँ इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने गूगल फोटोज़ की सेटिंग्स पर चले जाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है कुछ ऐसे चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तीसरा सेटिंग ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर सेटिंग्स पे चले जाना आपको गूगल फोटोज़ के। अब यहाँ पर गूगल फोटोज़ के सेटिंग्स पे आने के बाद पहला जो सेटिंग है वो आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको मैं एक एरो करके ऑप्शन दिखा रहा हूँ, ग्रुप सिमिलर फेसेस। यहाँ पर इसको आपको सिंपली से टिक कर देना है। अब यहाँ पर टिक करने के बाद इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर आप इसे ऑफ रखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर टर्न ऑफ कर दिया, इसका ये मतलब है कि जितने भी मेरे फोटोज़ हैं, देखो फ्रेंड्स, आपके मोबाइल में बहुत सारे फोटोज़ खींचते रहते हैं आप एनी टाइम, कभी नदी का खींच दिए, कभी किसी मोबाइल का खींच दिए, कभी किसी दुकान का, कभी किसी कागज़ का, कभी किसी आपने कभी भी कुछ भी खींच दिया है अपना फ़ोटो, जैसे कि आपने अपना फ़ोटो खींचा, अपने फैमिली में हर एक मेंबर्स का फ़ोटो खींचा हुआ है, तो सारा चीज़ एक ही जगह घुसे रहता है और आपको पता नहीं चलता है उसको खोजने में कि कौन सा फ़ोटो कहाँ है। अगर आपको अपना फ़ोटो खोजना रहता है तो आप बहुत सारे फ़ोटोज़ को सर्च करते हो। तो यहाँ पर इसका ये मतलब, अगर आप इसे ऑन रखते हो, जैसे मैंने यहाँ पर ओके कर दिया है, तो इसका यहाँ पर ये मतलब होता है कि जितने भी मेरे फ़ोटोज़ हैं वो एक एक फोल्डर पे एक ही मेरा फ़ोटो होगा, दूसरे फोल्डर्स में उस ग्रुप से जितने भी फ़ोटोज़ उसके फेस मिलते रहेंगे वो उसके फ़ोटोज़ यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो ग्रुप सिमिलर फेसेस है, इसका यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप समझ चुके होंगे इसका क्या सेटिंग है। अगर आप इसे हमेशा इसे आप ऑन रखना, ताकि जितने भी आपने मोबाइल का फ़ोटो खींचा है वो एक फोल्डर में रहे, क्योंकि आपको खोजने में आसानी होगी। जो आपका फेस है आप उसे नाम देके यहाँ पर सेव कर सकते हो, ताकि आपके फेस में केवल आपका फेस दिखे। अगर जैसे कि आपके सिस्टर, आपके ब्रदर, कोई भी अगर किसी का भी फेस अगर सिमिलर है, तो उनके एक ही फोल्डर में उनके नज़र आएंगे। तो आप समझ चुके होंगे ग्रुप सिमिलर फेसेस क्या सेटिंग्स हैं। तो ये था हमारा पहला सेटिंग। अब दूसरे सेटिंग के लिए आपको क्या करना, फिर से गूगल फोटोज में चले जाना है। और फिर से गूगल फोटोज में आने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। यहाँ पर फोटोज में यहाँ पर बिन का एक ऑप्शन आता है, आपको बिन पे सिंपली से चले जाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बिन का ये ऑप्शन होता है कि अगर आपने गैलरी से फोटो डिलीट कर दिया है तो वो गूगल फोटोज में सेव रहते हैं। अगर आपने गूगल फोटोज से भी गलती से भी डिलीट कर दिया है, तो यहाँ पर आपके पास देख सकते हो, आइटम्स इन बिन आर डिलीटेड फॉर एवर आफ्टर 60 डेज। तो यहाँ पर अगर आपके बिन में कोई फोटोज हैं तो वो 60 दिन बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। क्यों होंगे, अगर आपने पहले से डिलीट करके रख दिया है। अब आपको यहाँ से फोटोज को रिस्टोर करना है। आप किसी भी फोटोज़ को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो और नीचे आपको रिस्टोर का ऑप्शन, तो आप सिंपली से रिस्टोर कर देना, ताकि जो भी आपने फ़ोटो डिलीट किया है वो वापस रिस्टोर हो जाएगा आपके मोबाइल में। तो ये था सेकंड फीचर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अब तीसरे फीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर देना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपके मोबाइल को फोटोज़ को या फिर आपके जो भी वीडियोस है उसको हैकर से बचाना है, आपको हैक होने से बचाना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मैं आपको एरो करके दिखा रहा हूँ, ऐड पार्टनर अकाउंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे मैंने इसे टिक करता हूँ, उसे ओपन करता हूँ, देख सकते हैं इस प्रकार का इसका स्क्रीन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया शेयर योर लाइब्रेरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ आपका सेम टू सेम ऐसे ही आपके में भी खुलना चाहिए। अगर यहाँ पर कुछ भी दूसरे तरीके से खुल जाता, किसी का भी ईमेल यहाँ पर खुलता है, तो आपको यहाँ पर सिंपली से रिमूव कर देना है। अब आप बोलोगे कि ये फीचर कौन सा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये फीचर इसलिए रखा गया है, यहाँ पर गेट स्टार्टेड का एक ऑप्शन है। अगर मैं किसी को अपने, जैसे कि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग होते हैं जो शेयर करते रहते हैं अपने फोटोज़ और वीडियोस को, अगर आपके लाइफ में कोई पर्सनल ऐसा कोई है जिसको अपने सब कुछ शेयर करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप इसे गेट स्टार्ट कर सकते हो। और गेट स्टार्टेड करने के बाद इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि जो भी आपके मोबाइल में फ़ोटोज़ या वीडियोज़ होंगे वो ऑटोमेटिकली दूसरे मोबाइल में, जो भी यहाँ पर आपने ईमेल सेव करके रखा है वो ऑटोमेटिकली दूसरे ईमेल आईडी में चले जाता है और आपको किसी को सेंड करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये होता है शेयर योर लाइब्रेरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको हैकर से कैसे बचना है, आपके टाइम्स में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपका मोबाइल दो मिनट के लिए ले लेते हैं और यहाँ पर अचानक से गेट स्टार्टेड पे टिक कर देंगे और अपना ईमेल आईडी लिख देंगे। उसके बाद क्या होता है, आपको तो मोबाइल मिल जाता है लेकिन उसके बाद आपके मोबाइल में किसी का भी फोटोज़ आते हैं डायरेक्टली उस ईमेल आईडी से दूसरे में सेंड हो जाता है और आप लोग को पता भी नहीं चलता है कि ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ। तो यहाँ पर जो भी स्क्रीन आपको दिख रहा है सेम टू सेम ऐसे ही आपको में भी खुलना चाहिए। अगर यहाँ पर अब आपको पता कैसे करेंगे, आपको पता लग जाएगा आपने जैसे ही इसे ओपन किया होगा, तो यहाँ पर एक ईमेल आईडी या फिर जितने लोग भी आपके ईमेल आईडी को चोरी कर रहे होंगे यहाँ पर सिंपली से यहाँ पर दिख जाएगा, आपको सिंपली से बगल में रिमूव का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको सिंपली से रिमूव कर देना है ताकि आपका कोई भी फोटोज़ या फिर जो भी आपका चीज़ है प्राइवेट चीज़ है वो किसी और के पास शेयर ना हो सके। तो फ्रेंड्स आशा है कि वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। गूगल फोटोज़ बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, ये फ्रेंड्स सभी मोबाइल में ऑटोमेटिकली पहले से रहता है, आप इसे डिलीट नहीं कर पाते और ना ही इसे इंस्टॉल कर पाओगे क्योंकि ये पहले से सभी के मोबाइल में रहता है। फ्रेंड्स एक और फायदा है, अगर आप अपने मोबाइल से कोई भी गैलरी या वीडियोज़ डिलीट कर देते हो तो ये ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर आके सेव हो जाता है गूगल फोटोज़ में। और आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये एक्स्ट्रा एडवांस है, इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। यहाँ पर एक बैकअप एंड सिंक का ऑप्शन है, आपको सिंपली से टिक कर देना है और आपको सिंपली से हमेशा ऑन रखना है, जो मैं आपको एरो करके दिखा रहा हूँ। इसका ये मतलब है कि आपके अगर बाहर में गैलरी से कोई भी फोटो डिलीट हो जाता है गलती से तो यहाँ पर आके ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। और इसका ये मतलब है कि अगर आपने यहाँ से गूगल फोटोज से भी फोटोज़ को डिलीट कर दिया और अपने दूसरे मोबाइल में ओपन कर रहे हो और आपको पूरे फोटो की ज़रूरत है, तो यहाँ पर जो भी आपने ईमेल आईडी वेरीफाई करके रखा है उसी आपको ईमेल को वापस लिख देना है। तो इस फोटोज़ का जितने भी आप इस ईमेल आईडी में जितने भी फोटोज़ हैं वो पूरे चाहे 5,000 हो 10,000 हो पूरे फोटो आपके उस मोबाइल में भी आ जाएंगे बिना कुछ डाउनलोड किए। तो फ्रेंड्स आशा है कि वीडियो आपको समझ में आएगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।